दोस्तों, सांप और नेवले की लड़ाई आपने कई बार देखे होंगे। इस लड़ाई में कभी सांप का वार भारी होता है तो कभी नेवले का। इस दौरान दोनों ही लहूलुहान हो जाते हैं और ज्यादातर मामलों में नेवला सांप को मार देता है और जीत अधिकतर नेवले की ही होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर नेवले की ही जीत होती है, बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले एक लाइक तो कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, सांप और नेवला एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं और जब भी ये एक दूसरे के सामने होते हैं तो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। असल में नेवले अपनी चंचलता, घनत्व और विशेष एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर के कारण ऐसे कार्यों में सक्षम होते हैं जो उन्हें सांप के जहर के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए ज्यादातर लड़ाई में नेवला ही आखिरकार जीत जाता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सांप और नेवले की लड़ाई असल जिंदगी में देखी है? कमेंट करके जरूर बताना।